परिसर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है, ये हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय आयुष मंत्री जी, हमारे सचिव आयुष शिक्षा, हमारे जिलाधिकारी, मीडिया बंधु और हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स तथा निदेशालय के सभी गणमान्य हमारे सदस्यगण, यह हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम आज सातवें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि ये पूरा देश आयुष प्रदेश के नाम से हमारा जाना जाता है और योग की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, तो इसके लिए आयुष विभाग के द्वारा जो प्रयास हो रहे हैं उसमें एक कड़ी के रूप में हम लोग आज एक नया पुष्प जोड़ने जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने बोर्ड ऑफ स्टडीज के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कोर्सों को स्थापित किया है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय आयुष मंत्री जी की उपस्थिति में ये घोषणा करता हूँ कि आज से हम लोग अपने विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है और जैसे सभी जानते हैं कि योग की महत्ता आज कोरोना के काल में सबको पता चल रही है। पूरे देश में और पूरे विश्व में आज आयुर्वेद और योग के विषय में यहाँ पे और ये यहाँ पे दबाएंगे और यहाँ पे तीनों पे, तो इससे हमारा जो है पीलिया और पेटी संबंधी बीमारी नहीं होती। आजकल स्कूटी सभी लोग चलाते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे चलाएंगे। वापस आए और विश्राम आसन में विश्राम करें। अगला आसन है वक्रासन। समस्थिति में बैठ जाएं, पैरों को आगे रख के सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखें। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत न हो जाए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। इस स्थिति में 10 सेकंड तक बने रहें। समान पट्टी असलाल सिंह पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। आप सन 2000 में नवगठित उत्तराखंड। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। अब श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं जिससे कि वापस आ जाएं। अगला आसन है घुटना संचालन। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं और हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए स्थिति में लाएं। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और श्वास को छोड़ते समय वापस ले आएं। अगला आसन है